गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 19 जनवरी और आज हम 19 जनवरी से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहां पर आपको डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही क्विक अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है? तो इसका सही आंसर है 89 ईयर की एज में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो जाता है। और अगर हम बात करें गुलाम मुस्तफ़ा खान की, तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्ताद हैं और इन्हें 1991 में पद्मश्री से विभूषित किया गया है और साल 2006 में इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया गया है और हाल ही में यानी कि साल 2018 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जब इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है उस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी होते हैं, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। और बात करें अगर गुलाम मुस्तफ़ा खान की, तो ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में रहते हैं। हमारा अगला सवाल, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान ने जो रूट दोहरा, शतक बनाने वाले इंग्लैंड के कौन से कप्तान बन गए हैं? यानी कि जो रूट शतक बनाने वाले इंग्लैंड के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है जो रूट इंग्लैंड के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है और हाल ही में जो रूट इंग्लैंड के कप्तान बन गए हैं और उन्होंने दोहरा शतक टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच हुआ उसमें लगाया। और बात करें अगर जो रूट के बारे में, तो वे सबसे कम पारियों में 8000 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं। और बात करें अगर इंग्लैंड और श्रीलंका के टेस्ट मैच की, तो इन्होंने 291 बॉल पे 228 रन की पारी खेली है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस देश के 10 पर्वतारोहियों की एक टीम ने सर्दी के मौसम में विश्व के सबसे दूसरे ऊँचे पर्वत यानी कि K2, जिसे काराकोरम भी कहते हैं, उस पर चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में विश्व के सबसे दूसरे ऊंचे पर्वत शिखर पर यानी कि काराकोरम, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं, वहां सर्दी के मौसम में जो टीम जाती है उनका नाम नेपाली पर्वतारोही है। और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बनाया है क्योंकि सर्दियों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब काराकोरम रेंज पर किसी भी पर्वतारोही को चढ़ने में कामयाबी मिली हो। बात करें K2 की, तो इसे गॉडविन आस्किन के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर है। और बात करें अगर पहले नंबर पर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की, तो उसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर और 86 सेंटीमीटर है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन अभिनेता रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को होस्ट करेंगे? यानी कि उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ाने के लिए 100 डेज इन हेवन को होस्ट करने वाले सेलिब्रिटी का नाम अमिताभ बच्चन जी है और ये जानकारी उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दी है। और बात करें अगर इस शो की, तो यह एक एड शो होगा जिसका मेन उद्देश्य उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होगा। हमारा अगला सवाल, भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि भारत के साथ किस देश ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसके डेवलपमेंट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है, इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत और जापान ने किए हैं। और बात करें अगर भारत के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसके मिनिस्टर का नाम रविशंकर प्रसाद जी है और इस समझौते के तहत हमारे देश यानी कि इंडिया में 5G नेटवर्क को डेवलप करने पर बात की गई है। और इसके अलावा संचार सुरक्षा, समुद्र के अंदर फाइबर केबल बिछाने के लिए और इसके साथ ही साथ स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट पर मिलकर ये काम करेंगे। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस मंत्रालय ने सभी नए अपग्रेड किए गए खेल सुविधा केंद्रों का नाम खिलाड़ियों के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है, खेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट ने। और बात करें खेल मंत्री की, तो वर्तमान में खेल मंत्री किरेन रिजिजू है। और खेल सुविधा केंद्र का नाम खिलाड़ियों के नाम पर रखने की घोषणा इसलिए भी की जाती है क्योंकि इसका उद्देश्य हमारे खिलाड़ियों को सम्मान देना होगा। और बात करें अगर खेल मंत्रालय की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, तो इसका फॉर्मेशन सन 1982 को होता है और इसका हेडक्वार्टर शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में है और खेल मंत्रालय के मिनिस्टर किरेन रिजिजू हैं। और बात करें योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की,
तो इसका फॉर्मेशन 15 मार्च 1950 को होता है, जिसे 17 अगस्त 2014 को डिसॉल्व करके इसका नाम नीति आयोग रख दिया जाता है, और नीति आयोग की उद्घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की जाती है। और बात करें अगर महिला विकास मंत्रालय की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीमती स्मृति जुबैन पर है। और बात करें अगर सूचना मंत्रालय की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इसके मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। हमारा अगला सवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी नई ट्रेनों को हरी झंडी देकर रवाना किया है? यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी नई ट्रेनें लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कुल 8 ट्रेनों को लॉन्च किया है। और इसके साथ ही छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया है, और जो छोटी लाइन है वो पहले दम्भोई से चंदोद तक चलती थी, जिसे ही बदल कर एक बड़ी लाइन कर दिया गया है। और बात करें अगर दम्भोई और चंदोद के छोटे लाइन की, तो इसकी छोटी लाइन 18 किलोमीटर पर बिछी थी, जिसे 50 किलोमीटर तक बढ़ाकर बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया गया, यानी कि कुल मिलाकर 32 किलोमीटर तक नई बड़ी रेल लाइन का विस्तार किया गया। और इसके साथ ही अगर हम बात करें उन 8 ट्रेनों की जो केवड़िया और स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ती है, तो उनके नाम है, पहला है आपका दादर से केवड़िया तक, दूसरा वाराणसी से केवड़िया तक, तीसरा रीवा से होते हुए केवड़िया तक, चौथा हजरत निजामुद्दीन जंक्शन से केवड़िया तक, और इसके अलावा चेन्नई से केवड़िया तक, छठवां है आपका अहमदाबाद से केवड़िया तक, सातवां है आपका प्रताप नगर से केवड़िया तक, और फिर केवड़िया से प्रताप नगर तक। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 ट्रेनों को लॉन्च किया है, जिससे हमारे देश में पर्यटकों का ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा। हमारा अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के वॉशिंगटन सुंदर ऑस्ट्रेलिया में कौन से नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं? यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन से नंबर के बल्लेबाज हैं? तो इसका सही आंसर है, ये 7वें नंबर के बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। और बात करें अगर वॉशिंगटन सुंदर की, तो इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच में 110 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 62 रन का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। और इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में वे 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।